सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लेट्राजी स्कूल। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। मोतीपुर और बरुराज थाना पुलिस ने छापेमारी कर 5 पेशेवर अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार और गोली भी बरामद। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने को लेकर हके हिंदुस्तानी कमेटी के सदस्यों ने डीपीओ स्थापना कार्यालय का घेराव कर किया विरोध प्रदर्शन और हंगामा। कुत्ता काटने की सुई दिलाने बच्ची को साथ लेकर आई मोतीपुर की मंजू देवी की 7 वर्षीय पुत्री सदर अस्पताल परिसर से रहस्यमय तरीके से गायब, लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा। और सदर थाना क्षेत्र के 2 दुकानों का शटर कबाड़ कर चोरों ने 60,000 नगद सहित 2.25 लाख की संपत्ति उड़ाई। और अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर और बरुराज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अलग अलग 2 स्थानों से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से हथियार और गोली भी बरामद की गई है। मोतीपुर और बरुराज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपने क्षेत्र के अलग अलग 2 स्थानों पर छापेमारी कर अपराध की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जुटे 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी SSP विवेक कुमार ने पत्रकारों को दी। गिरफ्तार अपराधियों के संबंध में विस्तार से बताते हुए SSP ने बताया कि मोतीपुर पुलिस ने NH 28 पर पंसलवा पुल के समीप से रतनपुरा के उदय कुमार, सिंधुवारी गज सिंह के जितेंद्र कुमार तथा बुआरी के राजेश कुमार एवं रंजन कुमार उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। इस चारों अपराधियों के पास से 2 देशी पिस्टल, 4 गोली के साथ साथ 2 बाइक और 4 मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया है। SSP ने बताया कि उधर बरुराज पुलिस ने ताजपुर पोखर के समीप छापेमारी कर ऑटो से भाग रहे एक अपराधी भोला राय उर्फ राजीव कुमार को 1 देसी कट्टा और 2 गोली के साथ गिरफ्तार किया। भोला राय सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की का निवासी बताया गया है। SSP विवेक कुमार ने बताया कि पकड़े गए 5 अपराधियों के खिलाफ मोतीपुर, चकिया, ब्रह्मपुरा, सदर, मनियारी और मिठनपुरा थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिले के पश्चिमी क्षेत्र में अपराधियों के कुछ आने की सूचना पर वाहन चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें वाहन चेकिंग के क्रम में मोतीपुर थाना और बरुराज थाना दोनों क्षेत्र से अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। मोतीपुर थाना क्षेत्र से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास से 2 हथियार बरामद हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल उनके पास थी, जिसके अभी तक कागजों का सत्यापन नहीं हो पाया। संभवतः वो भी कहीं पर घटना में या तो लूटी गई या छीनी गई, उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके अलावा बरुराज थाना क्षेत्र से 1 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास अवैध हथियार था। तो कुल मिला के दोनों थाना क्षेत्रों से 5 अपराध कर्मियों की 3 हथियारों के साथ में गिरफ्तारी हुई है और संभवतः 2 बड़ी घटनाएं जो इन लोगों के द्वारा की जानी थी उन पर रोक लगी। इन्होंने अपने पूर्व के आपराधिक इतिहास के बारे में पूछताछ में बताया है और कुछ अन्य साथियों के बारे में बताया है, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास चल रहा है। अपने यहाँ जो कुछ ऑफेंसेस वगैरह, उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट इसका? जी हाँ, इसमें कुछ अपराधों में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करी है। खासकर ये जो बरुराज में गिरफ्तार हुआ है, भोला राय उर्फ राजीव कुमार उर्फ भोला राय उर्फ इंडियन, ये कई लूट की घटनाओं में इसने अपनी बात यहाँ बताई है और अन्य साथियों के बारे में बताया है, तो उन सब के भी सत्यापन किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद सभागार में जिला परिषद की रूटीन बैठक विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 7 निश्चय सहित कई अन्य कार्य योजना में तेजी लाने को लेकर विमर्श हुआ। जिला परिषद सभागार में जिला परिषद की हुई रूटीन बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही 7 निश्चय योजना के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अन्य कई एजेंडों पर चर्चा हुई तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कार्य योजनाओं में तेजी लाने को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी एवं DDC शैलजा शर्मा भी उपस्थित थी। एजेंडा पारित हुआ है, विभागीय समीक्षा चल रही है, उसके बाद जो है समाप्त हो जाएगी। सर, क्या क्या एजेंडा में आई है? एजेंडा में पारित हुआ है पंचम वित्त का जो राशि आया था, परिधान मदरा 5 करोड़ 81 जो सभी पार्षद अनुशंसा किए हैं योजना लेने के लिए, उसको पारित किया गया है, उसका काम होगा। दूसरा जो है तो इसमें पंचम वित्त का जो है ई गवर्नेंस का राशि, उसको खर्च करने का हुआ है। उसके बाद मनरेगा अंतर्गत 18 का श्रम बजट पारित किया गया है। उसके बाद जो है तो
जिला परिषद का जो ऑडिट हुआ है ऑडिट को का प्रस्ताव इसमें था वो पारित किया गया है। मुजफ्फरपुर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक की। मुजफ्फरपुर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने शुक्रवार को प्रदूषण विभाग के पदाधिकारियों और ईंधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ समरणालय सभागार में बैठक की। इस बैठक में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच यंत्र लगाने तथा नियमित प्रदूषण जांच कराने का निर्देश दिया। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए हके हिंदुस्तानी कमेटी के सदस्यों ने डीपीओ स्थापना कार्यालय का घेराव कर हंगामा और प्रदर्शन किया। निजी विद्यालयों द्वारा छात्रों और अभिभावकों का किए जा रहे आर्थिक दोहन शोषण के खिलाफ हके हिंदुस्तानी कमेटी के सदस्यों ने शुक्रवार को डीपीओ स्थापना कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे संगठन के संयोजक तमन्ना हाशमी का कहना है कि निजी विद्यालय संचालकों की मनमानी पर सरकार और विभाग रोक नहीं लगा रही है। अवैध स्कूल की उगाही के खिलाफ जो स्कूल ने लूटमार मचा रखा है यहाँ पे उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। हम आज यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी का घेराव करने आए थे, इनसे हमने बात की, ये लोग बिल्कुल सोए हुए हैं। डीएम साहब के आदेश के बावजूद भी अभी तक जांच नहीं पूरी हुई है। स्कूल खुलेआम री एडमिशन कर रही है, किताब कॉपी ड्रेस यहाँ तक जूता पेंसिल तक बेच रही है स्कूल, जिसके खिलाफ यहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है बिल्कुल सोए हुए हैं। सरकार की इनकी सारी मिलीभगत है, स्कूल वालों की मिलीभगत है इन लोगों से। इन लोग मिलीभगत के द्वारा काम कर रहे हैं, स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बस खाना पूर्ति कर रहे हैं। जांच के नाम पर ये लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, जिसका हक हिंदुस्तान मोर्चा कड़ा विरोध करती है। और हम लोग जब तक री एडमिशन बंद नहीं होगा, स्कूल किताब कॉपी ड्रेस बेचना बंद नहीं करेगी, हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। विश्वविद्यालय छात्र संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा है कि छात्रों की समस्याओं और छात्रों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। बीवी छात्र संघ चुनाव में निर्वाचित हुए विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार एवं बीवी छात्र संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष वसंत कुमार ने कहा है कि छात्रों की अपनी सरकार उन उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। वहीं संघ की महासचिव स्वर्णिम चौहान ने कहा कि विश्वविद्यालय में महिला सुरक्षा एवं नारी सशक्तिकरण पहली प्राथमिकता होगी। संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने छात्र छात्राओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि छात्र छात्राओं की सभी समस्याओं का समाधान समय से कराना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि बीबी परिसर सहित सभी महाविद्यालय में छात्र संघ के पदाधिकारियों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियां तेज की जाएगी। साथ ही 35 वर्षों के लंबे अंतराल तक छात्र संघ का चुनाव नहीं होने के कारण छात्र हित की जिस आवाज को अब तक दबाया जाता रहा है उसे विद्यार्थी परिषद मुखरित होकर उठाएगा। संघ के सभी पदाधिकारियों ने विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों को संघ के सभी पदों पर चुनने के लिए छात्र छात्रा मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। दूर दूर से छात्र छात्रा आए हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य मत हमें दिया है, उन सभी को बहुत मेरा नमस्कार और बहुत ज्यादा धन्यवाद। 35 वर्षों बाद इस चुनाव का होना है कि हाँ छात्र संघ चुनाव होगा, तो एबीवीपी के सभी कार्यरत लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से ये चीज हुआ है। हम लोग का एजेंडा रहेगा कि छात्राएं सेफ्टी फील नहीं करती है, तो 50 किलोमीटर के दायरे में उन लोग को व्हीकल सुविधा दी जाएगी, बस सुविधा रहेगा, जिससे कि वो लोग अपने कॉलेज तक आ पाए। हम लोग का एजेंडा है सबसे फर्स्ट में हम लोग का है प्रवेश परीक्षा और परिणाम। सबसे पहले समय से परीक्षा हो जाए, उसका समय से रिजल्ट आ जाए। हम लोग का एजेंडा में है, हम लोग यूनिवर्सिटी से 40 दिन के अंदर वीसी महोदय कंट्रोलर महोदय पर दबाव बना के 40 दिन के भीतर रिजल्ट लिया जाएगा, समय से परीक्षा करवा लिया जाए। ये सब हमारी मूलभूत एजेंडा में सबसे फर्स्ट एजेंडा है। उसके बाद जितना भी हस्तलिखित डिग्रियां जो मिलती है उनको कंप्यूटराइज किया जाए। रीजन की लाखों लाख रुपया साल में इस पर बर्बाद हो रहा है यूनिवर्सिटी का। सेशन लेट होने का मेन मुद्दा वही है। कंप्यूटराइज अगर सब कुछ हो जाए तो सेशन अपने आप सही हो जाएगा, और हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद और भी हम लोग का है एकेडमिक कैलेंडर लागू किया जाए और उसका सही समय से पालन किया जाए। कॉलेज में छात्रों की उपस्थिति कम होने के सवाल पर राम मनोहर लोहिया कॉलेज के शिक्षकों ने छात्रों के साथ बैठक की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय में छात्रों की कम उपस्थिति को लेकर आज महाविद्यालय के शिक्षक और छात्रों के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर बैठक किया।
बैठक में शिक्षकों ने छात्रों की समस्याओं को सुना और कॉलेज में छात्र की उपस्थिति कम होने का कारण समझा। इसके अलावा छात्रों ने कॉलेज की कमियां शिक्षकों के सामने रखी। 18 को छात्र संघ के जो लड़के चुनकर आए हैं उन लोगों ने एक बैठक रखा 11:30 बजे से कि हम लोग कुछ समस्या है, कैसे लड़के आए यहाँ, कैसे पढ़ें, और जो भी समस्या है पानी का है, बिजली का है, क्लासरूम का है, बोर्ड का है या किताब का है, ये सारी समस्या वो रख रहे हैं। उसी के सिलसिले में बताया गया कि यहाँ कॉलेज बिल मतलब पूरी तरह से संपन्न है, किसी तरह की कमी नहीं है, सिर्फ लड़के की कमी, जो लड़के बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, इसका लड़के आने का इंतजाम वो लोग करें। और हम लोग भी अपने तौर पर बहुत प्रयास करते हैं, सब टीचर फ़ोन करके लड़के बुलाते हैं, फिर भी लड़का पूरे तौर पर टर्नअप नहीं होता, तो वही उन लोग को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप लोग पहले लड़के को लाइए, लड़के आ जाएंगे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। RDS कॉलेज के इतिहास विभाग में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर कितने पास और कितने दूर विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। रामदयालु सिंह महाविद्यालय के इतिहास विभाग में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर कितने पास कितने दूर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान संगोष्ठी में महाविद्यालय छात्र छात्राएं शामिल हुए। संगोष्ठी में आए बुद्धिजीवियों ने कहा कि अमृतत्व प्राप्त महात्मा गांधी एवं डॉक्टर अंबेडकर का वर्तमान समय में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति तक ही इनके नामों का उपयोग सीमित हो गया है। जहां संपूर्ण विश्व में दोनों महापुरुषों का गुणगान हो रहा है, वहीं अपने देश में गोडसे की पूजा अर्चना हो रही है, वहीं दूसरी ओर आज इन दोनों के नाम पर राजनीति हो रही है। महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर कितने पास कितने दूर विषय पे संगोष्ठी इतिहास विभाग रामदयालु सिंह महाविद्यालय आयोजित कर रहा है। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह मुजफ्फरपुर से ही शुरू होता है और 100वीं शताब्दी वर्ष के अवसर पे विभाग महात्मा गांधी को याद कर रहा है और कल डॉक्टर अंबेडकर की भी जयंती है। दोनों महापुरुषों ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक ने राजनीतिक आज़ादी की बात की तो एक ने सामाजिक आज़ादी की बात की। दोनों में क्या किन बातों में समानता थी और किन बातों पे इनकी भिन्नताएं थी हमारे समाज को पता चलना चाहिए और हमारे ख़ास तौर से जो नौजवान पीढ़ी है उसे पता चलनी चाहिए कि आपस में सामंजस्य बना के समाज का निर्माण किया जाए, न कि आज जो परिवेश बन रहा है जिसमें हिंसा का माहौल, एक दूसरे के विरुद्ध लोग हिंसात्मक हो रहे हैं। तो ये महापुरुष जब अपने समय में थे तो इन्होंने कभी हिंसा की बात ना की। सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड स्थित दो दुकानों का शटर कवार कर चोरों ने 2.25 लाख की संपत्ति चुरा कर ले गए। नगर क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर आम नागरिकों में क्षोभ बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की रात चोरों ने सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड स्थित एक दवा दुकान और एक जूते चप्पल के शोरूम का शटर कवार कर 2.25 लाख की संपत्ति चोरी कर ले गए। दवा दुकानदार संतोष ठाकुर ने बताया कि गुरुवार की रात वे दुकान बंद कर घर चले गए। शुक्रवार की सुबह पड़ोसी दुकानदार से दुकान में चोरी होने की सूचना मिली। सुबह में हम जानकारी मिला राहगीरों के द्वारा, हम आए तो देखे जो शटर पूरा टूटा हुआ है, जो राहगीर जानकारी दिया उसे ये जानकारी दिया जी। हाँ, तो शटर तो फिर उठा नहीं, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किए, फिर शटर सीधा करवाए हैं तो अंदर घुसे हैं तो देखे हैं जो सामान सब चोरी था, गल्ला में जो पैसा रखे हुए थे तो नहीं था। कितने गल्ला में कितना पैसा था? गल्ला में वही 42-43 हज़ार रुपया था और सामान दुकान से सामान वही अनुमानित 60-70 हज़ार का सामान ले गया था। ये सब मिला के? सब मिला के 1.25 लाख रुपया। अभी पूरा काउंट अभी किए नहीं है जी। प्रशासनिक कार्रवाई क्या है? प्रशासनिक कार्रवाई तो अभी आए थे, प्रभारी महोदय आए थे, वेरिफिकेशन करके गए हैं जी, और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप लोग? बस भगवान भरोसे है और क्या, सुरक्षा के मामले में तो हम कुछ नहीं कह सकते। उधर जूता चप्पल शोरूम के मालिक भुवनेश्वर सिंह ने बताया कि चोरों ने उनकी दुकान का भी शटर कवार कर 60 हज़ार रुपए नगद सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। उधर दोनों दुकानों में चोरी की मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। लगता हमको मॉर्निंग में जो मिला कि हमारे दुकान का जो है शटर टूटा हुआ है और यह सूचना जो है बगल में हमारे जो परफेक्ट मेडिसिन वाले हैं वो आ गए थे, उन्होंने आवाज़ दिया तो हम ऊपर से आए मकान से। उस टाइम आए तो देखे कि जैसा उनका टूटा हुआ मेरा भी टूटा है और मेरा वो कैश नियर अबाउट 53 हज़ार रुपया था, वो मेरा गले से निकाल जी। और कुछ सामान और कोई सामान नहीं।
जी ये प्रशासनिक कार्रवाई तो क्या हुई है इसमें? प्रशासनिक कार्रवाई सवेरे जब थाना पर लोग गए हैं तो जो ड्यूटी पर थे वो आए हैं, देख के आकर चले गए हैं। अभी 2:30 बजे फिर थाना प्रभारी वगैरह आए हैं तो बोले हमको शाम को हम बस। कितना असुरक्षित महसूस करते हैं आप यहाँ मिर्च रोड में है घटना घटा? सुरक्षित क्या है कि सुरक्षित क्या, हम लोग ऊपर रहते आज तक तो कभी घटना हुआ नहीं था, फर्स्ट बार है मेरे साथ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहे मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। हजरत अली एकेडमी शहर मुजफ्फरपुर का एक मशहूर अदारा है जहां इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन इंतजाम है। यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे बच्चियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एवं हैदराबाद के आला अदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसकी बुनियाद 1983 में रखी गई और आज इसके 3 ब्रांच इस्लामपुर, चंदवारा और सादातपुर बैरिया में कामयाबी के साथ CBSE पैटर्न पर चलाए जा रहे हैं। तकरीबन 2000 बच्चे बच्चियां इस अदारा से इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तलबा की सहूलत, सेहत और मेयारी आला तालीम के लिए बासलाहियत असातजा किराम की टीम, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, कुशादा लाइब्रेरी, हर वक्त बिजली की सप्लाई के लिए बड़ा जनरेटर, पीने के लिए साफ ठंडा आरो पानी, तलबा को लाने ले जाने के लिए तेज सवारी, बड़ी बस, वक्तन फवक्तन तलबा के सेहत की जांच और बच्चियों के लिए खुसूसी पर्दा का इंतजाम है। बिहार बोर्ड से पढ़ने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए 8वीं दर्जा से BSEB क्लास का नज्म और इन तमाम चीजों पर CCTV कैमरे से हमा वक्त निगरानी। आपके बच्चे बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के वास्ते एडमिशन जारी है, जगह महदूद है। हज़रत अली एकेडमी अपनी नौयत के एतबार से वाहिद अदारा है जो तालीम और तरबियत का वाहिद मरकज है, जहां हम नौनिहाल मिल्लत को तालीम और तरबियत से आरास्ता करके एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं। इसलिए हम मौजूदा दौर में ये चाहते हैं, मिल्लत इस्लामिया से खुसूसी तौर पर हम गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को इस अदारे को दीजिए। आपका इदारा मिल्लत का इदारा है और मिल्ली मफाद के लिए वजूद में आया है और हम आपके बच्चों को मुस्तकबिल देना चाहते हैं। आप हमें बच्चा दीजिए ताकि हम इस अहम फरीजे को अंजाम दे सकें और अल्लाह के यहाँ भी हम सुरखुरवर कामयाब हो सकें। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes. IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग,
पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक आईआईटी रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। सो हु वॉन्ट्स टू बी द नेक्स्ट जीनियस, कॉल अस 763-501-3378, 763-501-3387, 763-501-3396। जीनियस नाम ही पहचान है। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवार्डेड इंडिया की नंबर वन स्कूल चेन ऑफ द ईयर। वेलकम टू ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल। बी इंटेलेक्चुअल बाय इंटेलेक्चुअल्स। इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 9955-45627, 8544-077-116। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहां सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहां कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA Enterprises, अगोरिया बाजार, आम गोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल आईडी u.a.enterprises.muz@gmail.com। आर कॉन्टेक्ट नंबर आर 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम के सदस्यों ने नगर निगम के दोषपूर्ण कार्यशैली में सुधार करने को लेकर कल्याणी चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। नगर निगम के क्रियाकलापों के विरुद्ध आज कल्याणी चौक पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम ने आम लोगों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें आम लोगों ने नगर निगम के विरुद्ध हस्ताक्षर कर अपना विरोध दर्ज किया। एक्टिविस्ट फोरम के सदस्यों का कहना है कि नगर निगम सभी चीजों का आम लोगों से टैक्स वसूलती है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। आम लोग निगम के क्रियाकलापों से तंग हो चुके हैं। नगर निगम मुजफ्फरपुर की कार्यशैली ऐसी है, तो टैक्स तो लेती है, लेकिन उसके अनुरूप कार्य उनके द्वारा नहीं किया जाता। जनता चुप है। नगर आयुक्त अभी IAS आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनके द्वारा मुजफ्फरपुर
कि जनता जिस समस्याओं से जूझ रही है उस समस्याओं का निराकरण हो। इसके लिए हमारी कमेटी ने एक ज्ञापन भी इनको सौंपा है जिसमें 35 बिंदुओं पर उनको कार्य किया जाना है। दुर्भाग्य की बात है, मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि 1 इंच भी सड़कें नहीं ऊंची होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुजफ्फरपुर की जनता इन निकम्मे ऐसे प्रस्तावित पदाधिकारियों के बीच है जिनके द्वारा सड़कों का निर्माण किया गया और पुराने घर में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हम चाहते हैं कि 3 जगह कम से कम इसका सम्प हाउस बने ताकि वहां से जल का निकासी हो। आप जानते हैं कि हल्की बारिश में भी मुजफ्फरपुर में पानी लग जाता है, ये सब कमियां जहां हम लोग भुगत रहे हैं, मच्छरों के लिए कोई छिटकाव नहीं हो रहा है। आमगोला स्थित सुख शांति भवन में तनाव मुक्त जीवन के मुद्दे को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अत्याधुनिक समाज के इस भागदौड़ की जिंदगी में आम लोग अत्यधिक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें सभी लोगों को मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए व्याकुल हैं। शुक्रवार को इन्हीं सब विषयों को लेकर सुख शांति भवन आमगोला में तनाव मुक्त जीवन पर कार्यशाला का आयोजन ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों सम्मानित लोग शामिल हुए। इस दौरान मुंबई से आए मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल ने लोगों को तनाव मुक्त जीवन जीने का तरीका सिखाया। मुजफ्फरपुर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बॉम्बे से डॉक्टर गिरीश पटेल आए हैं। ये मनोचिकित्सक भी हैं और आध्यात्मिक राजयोग के द्वारा भी मन को सदा खुश, तनाव रहित, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्नचित रखने की ट्रेनिंग देते हैं और साथ साथ तनाव, टेंशन, डिप्रेशन इसका भी इलाज करते हैं। और हम इनको देखते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान में, इन्हें बहुत बरसों से आपकी अथक साधना है, आपकी अथक तपस्या है, बहुत लगन है और उस लगन से आपका हमारे निमंत्रण से बिहार में आना हुआ, आज मुजफ्फरपुर में आना हुआ, फिर इन्हें आज रात को सुपौल पहुंचना है। सुपौल, सहरसा भी इनका विशेष कार्यक्रम है, इसके लिए आना हुआ है। और आप अभी बिहार में इनका कितने दिनों का कार्यक्रम है? इनका 4 दिन का कार्यक्रम है। कुत्ता काटने की सुई दिलाने के लिए अपनी पुत्री के साथ आई मोतीपुर की मंजू देवी की 7 वर्षीय पुत्री सदर अस्पताल परिसर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस घटना को लेकर लोगों ने अस्पताल में हंगामा भी किया। पुत्री को कुत्ता काटने की सुई दिलाने के लिए मोतीपुर प्रखंड की रहने वाली मंजू देवी सदर अस्पताल आई थी। इमरजेंसी वार्ड से निकलते ही मंजू देवी की पुत्री रूपा अचानक सदर अस्पताल परिसर से गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद बच्ची का सुराग नहीं मिलने पर मौजूद लोगों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बच्ची के नहीं मिलने पर मंजू देवी ने इस मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यहाँ पर पूजा कटवा के नंबर में लगा दिए, रूम से निकले तो कितने देर में गुम हो गया। अच्छा, क्या नाम है बच्चा का? रूप का नाम। कितने साल के हैं? 8 साल के। 8 साल के। आपका नाम? मंजू देवी। घर कहाँ हो गया आपका? सारा जहांगी की थाना। कितने बजे की घटना है ये? 9 बजे करीब। 9 बजे सुबह से? अच्छा, प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिए हैं पुलिस को? पुलिस को सूचना दी है कि नहीं? पुलिस लगती है यही में कि खोजेंगे। सदर हॉस्पिटल एक सरकारी हॉस्पिटल होने की वजह कर इसमें अच्छा खासा इंतजाम नहीं है। हर गेट पे दरबान और गेट की निगरानी करने के लिए एक होशियार आदमी की जरूरत है। जी समझे जी, आज क्या हुआ है? आज एक बच्ची की गुमशुदगी का रिपोर्ट है। मेरे अभी आते ही एक औरत वहाँ पे रोक करके बोल रही थी कि आप अपने बच्चे की हिफाजत कीजिए, यहाँ से बच्चा गायब हो जाता है। ये शिकायत सुनने के बाद हमारा रोंगटा खड़ा हो गया। मेरा दिल चाहा ऐसा न हो कि आगे मेरा बच्चा निकल जाए कोई पकड़ के। जी, आप एक माँ है, कितना सोच रही है? बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एक बच्चे की परवरिश के लिए, एक बच्चे को पाने के लिए। ना जाने कितने लोग बेऔलादी जिंदगी गुजार चुके हैं। नाला निर्माण कराने के बहाने नगर निगम द्वारा पिछले 8 दिनों से केदारनाथ रोड को अवरुद्ध कर दिया गया है। सड़क अवरुद्ध रहने और नाला निर्माण धीमी गति से होने के कारण इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल हुए कई महीने बीत गए, लेकिन आज हम नगर निगम की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये शहर के बीचों बीच कई रास्ते को जोड़ने वाली केदारनाथ रोड है, लेकिन इस सड़क पर नगर निगम द्वारा नाले निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन पिछले 8 दिनों से सड़क को बंद करके ये ठेकेदार की मनमानी या दादागिरी कह लीजिए, किसी भी नाले निर्माण में सड़क को बंद करके काम नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद यहाँ सड़क को बंद करके कार्य किया जा रहा है। यहाँ बिजली का कार्यालय है और महिला कॉलेज के जाने का रास्ता भी है। इस रास्ते से जैसे तैसे मजबूरी में लोगों को जाना पड़ता है और प्रत्येक दिन कोई न कोई गिरता है। आने जाने वाले राहगीरों की सुनिए कितनी मजबूरी से इस रास्ते में चलते हैं। परेशानी हो रही है केदारनाथ रोड में, तो नाला खुन कर रखा हुआ है और इससे बहुत लोग को आवाजाही परेशानी हो रही है। कोई भी गाड़ी घोड़ा आ जा नहीं रहा है और ये लगभग 7 दिन से इस तरह का चल रहा है। स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही है, बहुत लोग तो इतना ना गड्ढा खाना हुआ है कि उसमें लोग गिर भी जा रहे हैं और इससे लोगों को चोट भी आ रही है। सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में 16 अप्रैल को होने वाली शरद यादव की आम सभा की सफलता को लेकर जदयू शरद गुट के कार्यकर्ताओं ने शिवहर जिले के तरियानी में बैठक की। आगामी 16 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर डुमरा हवाई अड्डा मैदान में शरद यादव की सभा आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर बिहार प्रदेश जनता दल यू किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने शिवहर के तरियानी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें जयंती की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान तरियानी प्रखंड छोटे त्रिवेदी ने ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की रणनीति बनाई। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा है शरद यादव के प्रयास से मायावती और अखिलेश जी एक मोर्चा पर आए। सभी राज्यों में लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन के नाम पर, साधा विरासत बचाओ सम्मेलन के नाम पर शरद यादव जी का कार्यक्रम किया जा रहा है और जगत जननी सीता की धरती से 16 तारीख को यह संदेश दिया जाएगा। जलियांवाला बाग कांड के 97वें वर्ष पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने सभा आयोजित कर जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जलियांवाला कांड की 97वीं वर्षगांठ के अवसर पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने स्थानीय खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सभा आयोजित कर जलियांवाला बाग कांड में के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि क्रूर अंग्रेजों के हाथ शहीद हुए अमर सेनानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, फिरंगी सरकार के काले कारनामे जो एक काला अध्याय है इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोष हिंदुस्तानियों के खून से होलियां खेली थी। देश के नौजवान मातृभूमि की आजादी के लिए सारे लोग सभा कर रहे थे जलियांवाला बाग में। उसी समय फिरंगी सरकार के फौज ने पूरे पार्क को घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आज का कार्यक्रम क्या है? हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। आज भी जलियांवाला बाग में खून का धब्बा मौजूद है। जनरल डायर के काले कारनामों से सारा देश धधक उठा था और क्रांति की ज्वाला भड़क गई थी। आज जलियांवाला कांड के सम्मान में हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।